हाय डियर, वेलकम इन यू स्टडी ट्यूब। अब देखिए, हम लोग प्रश्नावली 3.4 देखते हैं, यानी मैट्रिक्स का प्रश्नावली 3.4। और 3.4 में क्या करना है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हमारे यहाँ पे एक मेन टर्म आता है, क्या? प्रारंभिक रूपांतरण। ओके, तो प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से हमें निकालना है क्या, व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकलना है। ओके, तो इसमें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर वन में दिया था कि मैट्रिक्स 1-1, 2, 3। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले माना यह जो मैट्रिक्स दी है उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, ए के बराबर दी है। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या कि हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है क्या कि ए बराबर आई इंटू ए। ओके, तो यहाँ से ए का मतलब ये होता है कि ये जो ए की मैट्रिक्स है उसको रखेंगे, और आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 के लिए 1-0-0-1। और ये जो ए है उसको हम ए वाला टर्म को यही रहने देंगे। ओके, अब ये जो ए है, इस ए की जगह पे ये जो मैट्रिक्स है उसको रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं बराबर आई की मैट्रिक्स लिख लिए इनटू में ए। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ठीक, इस मैट्रिक्स को उसमें जोड़ना घटा करके कुछ भी करके ये जो इधर वाली मैट्रिक्स है उसके बराबर लाना है। ओके, मतलब कि ये जो पहला यहाँ का अवयव होगा वह 1 होगा, और यहाँ का अवयव होगा 0, यहाँ का अवयव होगा 0, यहाँ का अवयव हो जाएगा 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें बनाना होगा किसके टर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म में, मतलब इसके टर्म बनाना है। चाहे तो हमें जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है। तो ये जो हमारी, ये हम लोग को पता है कि जो रो है ये पहली रो है, ये कौन सी रो है, दूसरी रो है। और इसको बोल सकते हैं यह पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। ठीक, अगर देखिए हम रो, अगर रो को लेकर चल रहे हैं तो केवल रो अप्लाई करेंगे, अगर कॉलम लेकर चलेंगे तो केवल कॉलम को अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए तो हम यहाँ से रो में देखते हैं पहले। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये पहला R1 है, ये दूसरा R1 है, तो R2 में देखिए हम इस R2 वाले में चेंजेस कर रहे हैं। R2 में क्या करना है कि देखिए जैसे ही हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ही हम R2 लिखेंगे, ना कि R1 लिखेंगे। देखिए R2 है तो यहाँ से R2-2R1, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि हम R2 का जो मान है, R2 का मान मतलब कौन, यह 2 है, -2R1, R1 का मतलब ए वाले अवयव हैं, उनमें से 2 को गुणा करके हम R2 वाले से घटा लेंगे। तो देखिए ऐसे किए हैं, R2 में चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस करना है, तो हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं लेकिन R1 में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो R1 का जो भी मान होगा उसको एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर दिए। देखिए 1-1, 1-1 देखिए कॉपी कर दिए। अब इसमें चेंजेस किस में आना है, R2 में चेंजेस होंगे। देखिए R2-2R1, तो R2 का मान कौन, 2-R1 का मान कौन, यहाँ से देखिए 1 है, और उसमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा कर लेना है। जैसे ही हम इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और R2 वाला मान 2 है, 2 से 2 घटा लेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0। ओके, उसी तरह से ए वाला अयोग कर चुके, अब इसमें आ जाते हैं, तो R2 का मान इसमें क्या हो गया, R2 का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए 2R1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए -1, तो R1 का मान -1 करेंगे तो ये -1 कट के, देखिए -1 कट के कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 होगा ही, और ये R2 का मान 3 तो पहले से ही है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बराबर। जैसे इसमें चेंज करेंगे उसी तरह से चेंजेस इसमें करेंगे, तो हम चेंजेस किस में कर रहे थे, R1 में नहीं करें, तो R1 के एग्जैक्टली कॉपी कर दिए और R2 में चेंजेस कर दिए। देखिए R2 वाला ये है मान, तो देखिए क्या करना है हमें, R2-2R1, तो 2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 का मान कितना, 1, तो देखिए -2 आ जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद R2 का मान कितना है, यहाँ से 1, फिर 2R1, R1 का मान देखिए यहाँ से 0, तो वाला पूरा मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान R2 का मान खाली 1 है, तो 1 इसको कॉपी कर दिए, और ए जो है उसको ए हमारा चलता आएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें यह जो मैट्रिक्स आई है इसमें क्या करें कि इसके बराबर आने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए,
तो इसके बराबर आने का मेन सबसे क्या करते हैं हम लोग कि जो फाइव है, फाइव को क्या करते हैं कि अगर हम 1/5 से गुणा कर लें आर टू वाले में, ये जो आर टू है इस आर टू में 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 101 101 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खाली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेंगे एग्जैक्टली। देखिए 1 - 1 कॉपी हो गया, फिर 0 0 में 0 गुणा करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए 5 तो है, 5 * 1/5 गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो बचे कितना 1 बराबर। अभी 1 0 इसमें भी इसी तरह से कॉपी हो जाएगा, हमें चेंजेस खाली किस में करना है आर टू में। देखिए -2/5 कितना हो जाएगा 5, देखिए -2/5 यहाँ पर भी 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ओके तो अब हम इसमें क्या कर इसमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 लाना हमें, तो 0 लाने के लिए क्या कर देंगे ठीक। तो देखिए तो बताइए अगर हमें यहाँ पे 0 लाना, तो क्या कर सकते हैं अगर हम इस वाले देखिए ये जो वाला ये जो आर वन का मान है इस आर टू वाले से अगर हम जोड़ दें, देखिए आर वन में चेंजेस कर रहे हैं तो आर वन में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे 0 लाना है, तो आर वन में क्या करते हैं कि आर वन प्लस आर टू कर दें। तो देखिए आर वन देखिए आर वन में चेंज करना है तो आर वन में चेंज होगा, नीचे वाला क्या मैट्रिक्स वैसी तरह से लिख देंगे, देखिए 0 1 वैसी तरह लिख दिया गया, और इसमें भी -2 5 1 5 वैसी तरह लिखेंगे, देखिए -2/5 1/5 एग्जैक्टली वैसे लिख दिया गया। हमें जोड़ना क्या है आर वन में चेंजेस करना है, देखिए आर वन का मान कितना है यहाँ से देखिए 1, आर टू का मान कितना है यहाँ से देखिए 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। फिर उसी तरह से अब देखिए इस अब इसमें आ जाते हैं तो आर वन का मान कितना -1 और आर टू का मान कितना 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मानिए 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए आर वन का मान कितना है यहाँ से 1 प्लस आर टू का मान कितना है यहाँ से -2/5, तो यहाँ से 1 माइनस तो क्या हो जाएगा 1 - 2/5, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए आर वन का मान कितना है यहाँ से 0, आर टू का मान कितना 1/5, तो 0 में 1/5 ऐड करेंगे तो 1/5 ही आएगा ठीक। तो जो हमारा निकल कर तो जो निकल कर इतनी जो मैट्रिक्स निकल कर आई है ये वाली मैट्रिक्स ही हमारी क्या है व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए जो ये मैट्रिक्स ए जो ए है वो उस ए को हम इधर लाएंगे देंगे तो क्या हो जाएगा ए 1/a हो जाएगा, और ए को ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल अब ये जो मैट्रिक्स है उसको एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।